जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की आरती। ओम जय जय शांति पते प्रभु, जय जय शांत पते। पूज्य पिता हम सब के, तुम्हें पालन करते। ओम जय जय शांत पते, शांता संग विराजे। ऋषि सिंह बलिहारी, प्रभु ऋषि संग बलिहारी। जस गिरिजा संग सोहे, भोले त्रिपुरारी। ओम जय जय शांत पते। लो में पाद की रज धानी में, जब दूर भी छे परे। प्रभु जब दूर भी छे परे, बृष्टि है तू बुलवावे। जाय शुभी छे करे। ओम जय जय शांत पते। महायज्ञ पुत्रेष्ठि दशरथ घर कीनो, प्रभु दशरथ घर कीनो। प्रकट भये प्रतिपाला, दीन शरण लीनो। ओम जय जय शांत पते। शीश जटा शुभ सोहे, श्रृंग एक धरता। प्रभु श्रृंग एक धरता, सकल शास्त्र के वेता। हम सब के करता। ओम जय जय शांत पते। सब बालक हम तेरे, तुम्हें सब के स्वामी। प्रभु तुम्हें सब के स्वामी, शरण गहेंगे तुम्हारी। ऋषि तब अनुगामी। ओम जय जय शांत पते। विनय हमारी तुमसे, सब पर कृपा करो। प्रभु सब पर कृपा करो। विद्या बुद्धि बढ़ाओ, उज्ज्वल भाव भरो। ओम जय जय शांत पते। हम संतान तुम्हारी, श्रद्धा चित लावे। प्रभु श्रद्धा चित लावे। मंडल आरती ऋषि सिंह की, प्रेम सहित गावे। ओम जय जय शांत पते। सनातन धर्म में ऋषि पंचमी व्रत का खास महत्व है। ऋषि पंचमी व्रत व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है। ऋषि पंचमी व्रत मुख्य तौर पर महिलाएं रखती हैं। भारत में कई स्थानों पर ऋषि पंचमी को भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में सप्तम ऋषियों की पूजा की जाती है। यह गणेश चतुर्थी के अगले दिन पड़ता है। इस साल ऋषि पंचमी व्रत 20 सितंबर 2023 को है। ऋषि पंचमी को गुरु पंचमी, भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि पंचमी पर सप्त ऋषियों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऋषि पंचमी पर उपवास रखने से पापों से मुक्ति एवं ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
ऋषि पंचमी पूजा विधि। ऋषि पंचमी के दिन प्रातः जल्दी स्नान करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें। घर पर साफ जगह पर चौकोर आकार का आरेख मंडल कुमकुम हल्दी तथा रोली से तैयार करें। मंडल पर सप्तऋषि की प्रतिमा स्थापित करें। फिर शुद्ध जल और पंचामृत छिड़के चंदन का टीका लगाएं। सप्तऋषि को पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात उन्हें पवित्र यज्ञोपवीत पहनाएं और सफेद वस्त्र भेंट करें। महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा के पश्चात महिलाओं को अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। ऋषि पंचमी का मंत्र। ऋषि पंचमी पर इस मंत्र के जाप से सभी पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। घर पर सुख समृद्धि का वास होता है। विशेष रूप से महिलाओं को ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।